नेटफ्लिक्स हर वीक भर भर कर कंटेंट रिलीज करता है, अब उनमें से आधे से ज्यादा हिंदी में डब्ड करता है। क्या उनमें से हर एक सीरीज हमारे लिए है? नहीं, पर नेटफ्लिक्स हर वीक एक ना एक ऐसी सीरीज रिलीज करता है जो हमें 100% सेटिस्फाई करता है। तो आज की लिस्ट में हम ऐसे ही नेटफ्लिक्स की 10 वेब सीरीज लाए हैं जिनकी कॉन्सेप्ट एक से बढ़कर एक होंगे, तो एक भी मिस ना करिएगा। और आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नंबर 7 की सीरीज हर एक टीनेज रोमांटिक ड्रामा फैंस के लिए। ऊपर से ट्रायंगल वाली लव कॉन्सेप्ट हो तो भाई सीरीज को एक ट्राई देनी ही चाहिए, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया रोमांस ड्रामा के साथ एब्सोल्यूट बिगिनर। स्टोरी दो दोस्त की है जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिन्हें साथ मिलकर एक फिल्म शूटिंग करना है ताकि उन्हें एक फिल्म स्कूल में एडमिशन मिल सके। कहानी रोमांटिक तो तब हो जाती है जब इन दोनों के बीच एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसके बाद फिर वही ट्रायंगल वाला लव। अगर आप रोमांटिक ड्रामा के फैन है तो इनके कैरेक्टर के बीच की वो इमोशंस आपको पसंद आएंगी। बस इसकी नेगेटिव पॉइंट लगी भाई, स्टोरी बहुत ही स्लो चलती है जिससे आपको बीच बीच के एपिसोड फील होने लगता है, लेकिन इसके बोल्ड एंड एडल्ट सीन एकदम से आपको स्क्रीन पे ले आती है। अगर आपके पास खूब सारा टाइम है और एक ऐसी रोमांटिक सीरीज देखना चाहते हैं तो एक ट्राई जरूर दीजिए, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज उन सभी के लिए जिन्हें फैमिली कॉमेडी रोमांस ड्रामा टाइप सीरीज देखना पसंद है, जिसके छोटे छोटे लेंथ आपको जरा सा भी फील ना होने दे, तो ये नंबर 6 की सीरीज आपके लिए, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया फैमिली कॉमेडी ड्रामा के साथ एरिन एंड आरोन। स्टोरी दो स्टेप भाई बहनों की है जिन्हें म्यूजिक से काफी पसंद है, जिनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जिन्हें अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी साथ रहना पड़ता है, पर साथ रहना आसान नहीं होगा। ये दो भाई बहन के आपस के वो खट्टे मीठे लड़ाइयां, वो आपस में नोक झोंक आपको काफी पसंद आएंगी। सीरीज को कॉमेडी और इंटरटेनिंग वे में रखा है जो सीरीज कामयाब भी होती है। हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग, खासकर इन दो भाई बहन के बीच की वो नोक झोंक, इनकी कैरेक्टर से आप काफी रिलेट कर पाएंगे। हर एक एपिसोड 20 से 25 मिनट की लेंथ आपको फील नहीं होने देती। सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज भाई, ये सीरीज देख लेने के बाद आपको पेन किलर जैसी दवाइयों से खौफ हो जाएगा। एक बार आप जरूर हिचकिचाएंगे जब इन पेन किलर की सच्चाई जान लेने के बाद, क्योंकि भाई ये एक्चुअल में हो चुका है। हम बात करें जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया केवल 6 एपिसोड का मिनी सीरीज क्राइम ड्रामा के साथ पेन किलर। कैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पेन किलर के नाम पे हाईली एडिक्टिव ड्रग्स को गवर्नमेंट की तरफ से लीगल करता है और डॉक्टरों को भी कन्विंस करता है इसे प्रिस्क्राइब करने। गजब का दिमाग लगाया है भाई। शुरुआत में भाई पेन किलर को दर्द के लिए दिया जाता है, पर धीरे धीरे कर कर इसके आदत सी लग जाती है, पता ही नहीं चलता। कई लोग मारे गए, कई लोग के घर बर्बाद हो गए, पर इस कंपनी को सिर्फ अपना प्रॉफिट से मतलब है। कैसे उन सब की पर्दाफाश होता है आप सीरीज में देखिए, और जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 5 की सीरीज ये लड़की आम सी दिखने वाली कोई आम लड़की नहीं, एकदम खतरनाक, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया 23 की क्राइम एक्शन एडवेंचर के साथ, हुई जैरिन कार्टर। सीरीज की नाम जिस तरह से है भाई, पूरी सीरीज उसी तरह की। आखिर ये लड़की एरिन कार्टर है कौन, जो कहने के लिए तो एक स्कूल टीचर है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा कर जाती है जिससे आपको फील होता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, जिसके पीछे छिपी है भाई इनके पास्ट लाइफ की बड़ी बड़ी बातें। वो क्या है आप सीरीज में देखो, आखिर ये स्कूल टीचर में है कौन। स्टार्टिंग एपिसोड से ही आपको फील करवाएगी कि ये लड़की में कुछ तो बात है, और यकीन मानिए कुछ ऐसा कर जाएगी कि आप सरप्राइज हो जाते हो ये क्या कर दिया। उसके बाद इनकी सीक्रेट लाइफ जानने के लिए आप पूरी सीरीज देख जाओगे, और सबसे बड़ी बात सीरीज आपको कहीं पे भी बोर नहीं करती। जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज आप में कितनी पेशेंस है, आपको तब तक तोड़ा जाएगा जब तक आप अपनी पहचान बदल कर खुद को कोई और ना मान लेते। नंबर 4 की ये जर्मन सीरीज ऐसे ही स्टोरी हमारे सामने खतरनाक तरीके से रखा है नेटफ्लिक्स की तरफ से 23 की क्राइम ड्रामा मिस्ट्री के साथ डियर चाइल्ड। एक किडनैप पर जिसके दो बच्चे हैं, एक लड़की को किडनैप कर तब तक रखता है जब तक वो अपनी पहचान बदल कर दो बच्चों की मां ना बन जाए। आखिर वो किडनैप पर ऐसा क्यों करता है, अगर आप कोई भी गलती किए तो आपको मिलेगी भयंकर सजा। भाई किडनैप पर इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आप जरा सा भी गलती करते हो तो ऐसा वैसा सजा नहीं देता, इतनी क्रूरता से पीटा जाता है कि आप सिमट सा जाओगे, यहाँ तक कि ठंड में आपके गर्म कपड़े छीन लेता था। आप ठंड से कांपते कांपते रो रहे हो। अब 5 महीने रहने वाले स्ट्रिक रूल के साथ जब आप उस शैतान के चुंगुल से बाहर आते हो, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, पहले जैसा कुछ भी नहीं।
आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और जब ये सब की सच्चाई पता चलेगी तो भाई एकदम से आपकी जज्बात बदल जाएंगी। बस इसका नेगेटिव पॉइंट लगी भाई, इसकी एंडिंग सिंपल सा खत्म कर दिया यार। आप डेफिनेटली इस सीरीज को एक्सपीरियंस करो, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज, इसे कहते हैं भाई फ्रेश एंड परफेक्ट हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज, जो आपको अपने भयानक कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग स्क्रीन प्ले के साथ, टॉप लेवल की डायरेक्शन और खतरनाक कैरेक्टर की एक्टिंग से आपको धीरे धीरे कर इतना डराए कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए। और माइक फ्लैनेगन की खासियत रही है, जिन्होंने द हंटिंग ऑफ हिल हाउस, मिडनाइट मास, हंटिंग ऑफ ब्लेयर मैनर जैसी मास्टरपीस हॉरर सीरीज बना रखे हैं, तो भाई इनसे एक्सपेक्टेशन तो हाई रहेगी। ये हॉरर जॉनरा में कुछ ऐसा दिखाएंगे जो भाई आज तक आपने ना देखा होगा, जो आपको दिखलाएगी भी और डराएगी भी। जिसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया 2023 की हॉरर थ्रिलर के साथ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ओसर। नंबर 3 की सीरीज यार गजब की कॉन्सेप्ट, कुदरत के नियमों के खिलाफ जाना, मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करना, भाई काफी खतरनाक कॉन्सेप्ट है। जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2023 की हिस्ट्री हॉरर ड्रामा फैंटेसी के साथ क्रिएचर। स्टोरी भाई एक ऐसे ही मेडिकल स्टूडेंट और एक पागल साइंटिस्ट की है, जो भाई एक ऐसा मशीन बनाता है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता। पर ट्विस्ट की बात तो ये है भाई कि इस एक्सपेरिमेंट में वो पागल साइंटिस्ट खुद ही मारा जाता है। आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है वो आप सीरीज में देखकर पता करो। क्या वो पागल साइंटिस्ट फिर से जिंदा होता है? बात तो ये है कि कोई मरे हुए इंसान को जिंदा करने के बाद क्या सच में वो वही इंसान होगा या फिर कुछ और? टर्किश ड्रामा सीरीज की एक खासियत होती है भाई, इनकी कॉन्सेप्ट खतरनाक होता है। बस भाई नेगेटिव पॉइंट लगी इसके सिनेमेटोग्राफी, वो विजुअल सीन थोड़ी फीकी लगी। बाकी सीरीज के कॉन्सेप्ट के लिए डेफिनेटली आप देखिए, नेटफ्लिक्स की क्लास लेवल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज कमेंट में हमेशा पूछा जाता है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सीरीज मनी हाइज जैसी कोई सीरीज है तो बताओ? भाई मनी हाइज जैसा सीरीज एक ही बार बनती है, पर कोई नहीं, नंबर 2 की सीरीज आपको वो वेव फील करा सकती है। हम बात करें जिसके थर्ड पार्ट हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ लूपी। भाई ये कोई आम चोरी पे बेस नहीं, इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सीजन 1 में लूपिन की कैरेक्टर भाई इतनी सफाई से चोरी करता है कि आपको मनी हाइस्ट की याद दिला देगी, पर ये बिल्कुल मत समझना कि सीरीज सिर्फ चोरी पे बेस्ड है। सीजन 1 एपिसोड 1 में सिर्फ चोरी वाला सीन है, खेल तो उसके बाद की है, थ्रिल तो उसके बाद है, जिसमें आपको रिवेंज देखने को मिलेंगे, डिटेक्टिव टाइप इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेंगी। चोरी इतनी क्लास लेवल की करता है कि भाई आप इनके फैन हो जाओगे। जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज भाई सच में नेटफ्लिक्स का कोई जवाब नहीं, इस लेवल पे हमारे सामने रखते हैं कि हर एक चीज परफेक्ट लगता है। जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 23 की मिनी सीरीज हिस्ट्री वॉर ड्रामा के साथ ऑल द लाइट वी कांट सी। स्टोरी वर्ल्ड वार 2 के दौरान सेट है, जहाँ एक अंधी फ्रेंच लड़की एक जर्मन सोल्जर के सर्वाइवल पे बेस्ड है। जिस तरह से हम इसके स्टोरी बता रहे हैं भाई, इनकी स्क्रीन प्ले और इनकी सिनेमेटोग्राफी, इनकी स्टोरी टेलिंग के साथ वो इमोशन, और सबसे बड़ी बात लीड एक्ट्रेस एरिया मिया जिन्होंने अंधी होने की एक्टिंग की है भाई, इनकी मासूमियत और इनकी क्यूटनेस आपका सीधा दिल जीत लेगी। सीरीज को आप जरूर देखिए, आपकी भी इमोशंस बनने वाली है। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज, इसके पोस्टर देखकर बिल्कुल भी जज मत करना, हमने गलती की थी सीरीज को देखने से पहले कि फिर से नेटफ्लिक्स वही घिसा पीटा सीरियल किलिंग वाला कॉन्सेप्ट हमें दिखाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ भाई टाइम ट्रेवल वाली ट्विस्ट हमें सरप्राइज करती है। जी हाँ भाई, हम बात करें जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2023 की क्राइम ड्रामा हिस्ट्री के साथ बॉडी। स्टोरी जनरली 4 टाइम लाइन में घूमती है, पास्ट में 1890, 1941, प्रेजेंट में और फ्यूचर 2053 में, जहाँ 4 डिटेक्टिव 4 अलग अलग टाइम लाइन में एक ही जैसे मर्डर को सॉल्व कर रहे हैं। है ना भाई, काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, और सच में भाई सीरीज खतरनाक है। अगर आप पूरी फोकस से सीरीज को नहीं देखोगे तो आधी सीरीज आपके ऊपर से चली जाएगी। ऐसी कॉन्सेप्ट ही क्या जिसे 100% समझने के लिए यूट्यूब पे ना आना पड़े। ये सीरीज आपको ले जाएंगी एंडिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। जिस तरह से वो मर्डर के पीछे की टाइम ट्रैवल को रखा है, गजब का भाई। जिस तरह से हर एक टाइमलाइन में सीरीज शिफ्ट होती है, खासकर वो फ्यूचर वाली, उनकी सिनेमेटोग्राफी, उनकी स्टोरी टेलिंग टॉप क्लास की देखने को मिलेगी। सीरीज को डेफिनेटली देखिएगा, नेटफ्लिक्स की टॉप लेवल हिंदी डबिंग के साथ। तो ऐसे ही क्वालिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कराइए, हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।